आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर कैसे बनते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बनने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, इसके साथ ही साथ इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या इंटरव्यू का पार्ट होता है तो कितना होता है, इसके साथ ही साथ सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी कम्प्लीट जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में एमएससी की डिग्री लेनी चाहिए। यानी अगर आपने अपनी एमएससी कंप्लीट कर ली है तो आप किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आपको किसी ट्रेड के लेक्चरर बनना है, ठीक है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लेक्चरर बनना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नया नियम ये आया है कि अगर आपने अपनी बीटेक की पढ़ाई की हुई है, अगर आप बीटेक कंप्लीट हो गया है आपका, तो आप लेक्चरर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, उन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए नए नियम के अनुसार अनिवार्य योग्यता आपकी एमएससी और पीएचडी कर दी गई है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से देखेंगे तो अगर आपने अपनी एमटेक कंप्लीट कर ली है तो आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। वैसे हम बताएं तो प्रिंसिपल के पोस्ट पे अगर आपने एचओडी के पोस्ट पे 10-20 साल काम किया है, तो निश्चित तौर पे आगे आपका प्रमोशन होकर के आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं। आइए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि सर इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी सारे लोग सेलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका दो पेपर होता है, जिसमें आपका पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में आपके हिंदी और इसके साथ ही साथ टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और टेक्निकल के क्वेश्चन आपके पेपर नंबर वन में रहते हैं। टेक्निकल के क्वेश्चन कहने का मतलब आपने जिस भी रिलेटेड स्ट्रीम का चुनाव किया है लेक्चरर बनने के लिए, जैसे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया है तो आप मैकेनिकल के से आपको टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया है तो इलेक्ट्रिकल से आपके टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आपका पेपर टू होता है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का होता है। पेपर टू आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, इसमें आप नॉर्मल सारी चीज़ें क्वालिफाई कर सकते हैं। जो आप सीजीएल लेवल में जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें इसमें आपकी पूछी जाती है। और टेक्निकल, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर टेक्निकल का क्या लेवल रहता है, तो जो टेक्निकल का लेवल रहता है वो आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल का टेक्निकल का क्वेश्चन होता है। यानी कि अगर आपने डिफरेंट एग्जामिनेशन दिए हुए हैं टेक्निकल में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के, तो उसी लेवल का आपका जो पेपर होता है ये आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर का भी होता है। जिसके लिए आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं, तो अगर मैं यूपी की बात करूं तो upsc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली यूपी की, तो यूपी में आपका इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू भी यहां पे आपको क्रैक करना पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स जो है बिल्कुल नॉर्मल है। यानी जो मैक्सिमम वेटेज है आप कह सकते हैं, ये मैक्सिमम वेटेज आपका ये टेक्निकल क्वेश्चंस का ही है, यानी पेपर वन और पेपर टू का, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यही सलाह देंगे कि आप अपना जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन लगभग सभी एग्जामिनेशन में अब कॉमन हो गया है। इसके अलावा हिंदी और टेक्निकल के नोट्स बनाते चलिए। अगर आपने टेक्निकल अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, तो पेपर वन और पेपर टू में अगर आपने ज़्यादा मार्क्स को गेन किया है, तो निश्चित तौर पर आपकी मेरिट काफ़ी अच्छी रहने वाली है और आप फाइनल मेरिट में भी सेलेक्ट हो जाओगे। इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप बात करें यूपी की, तो यहाँ पे इंटरव्यू देना भी अनिवार्य है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।